गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू बिहार बोर्ड उर्दू चैनल। आशा करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में इंटर एग्जाम 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 14 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर के विषय में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें और पसंद आने की सीरत में लाइक शेयर जरूर कर दें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो दोस्तों आइए हम अपने मूल्य समय को बचाते हुए बढ़ते अपने प्रश्नोत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है दोस्तों, इंदिरा हटाओ किसका नारा था? ए नंबर में दोस्तों विपक्षी गठबंधन का, बी नंबर भारत के नागरिकों का, सी नंबर कामराज का और डी नंबर लाल बहादुर शास्त्री का। सही आंसर दोस्तों ए नंबर विपक्षी गठबंधन का। अगला सवाल है, राम मनोहर लोहिया का निधन कब हुआ? ए नंबर में 1966, बी नंबर 1967, सी नंबर 1968 और डी नंबर 1969। सही आंसर दोस्तों बी नंबर 1967 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेता कांग्रेस के विभाजन के समय उस पार्टी के अध्यक्ष थे? ए नंबर में है के कामराज, बी नंबर मोरारजी देसाई, सी नंबर एस निजलिंगप्पा और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों सी नंबर एस निजलिंगप्पा। अगला प्रश्न है, साझी तराजदी का सूत्र किसने दिया? ए नंबर इंदिरा गांधी, बी नंबर गौरी हार्डिन, सी नंबर महात्मा गांधी, डी नंबर राहुल गांधी। सही आंसर दोस्तों बी नंबर गौरी हार्डिन। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए नंबर के कामराज, बी नंबर नीलम संजीव रेड्डी, डी नंबर जगजीवन राम और डी नंबर एस निजलिंगप्पा। सही आंसर दोस्तों ए नंबर के कामराज। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किस भारतीय प्रधानमंत्री ने दिया था? ए नंबर लाल बहादुर शास्त्री, बी नंबर जवाहरलाल नेहरू, सी नंबर अटल बिहारी वाजपेयी और डी नंबर मनमोहन सिंह। सही आंसर दोस्तों ए नंबर लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ए नंबर जवाहरलाल नेहरू, बी नंबर लाल बहादुर शास्त्री, सी नंबर इंदिरा गांधी, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों बी नंबर लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी प्रथम बार कब कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी? ए नंबर 1960, बी नंबर 1959, सी नंबर 1958 और डी नंबर 1957। सही आंसर दोस्तों बी नंबर 1959 में। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? ए नंबर इंदिरा गांधी, बी नंबर राम मनोहर लोहिया, सी नंबर लाल बहादुर शास्त्री, डी नंबर नरेंद्र मोदी। सही आंसर दोस्तों ए नंबर इंदिरा गांधी। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट किस भारतीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में प्रक्षेपित किया गया था? ए नंबर इंदिरा गांधी, बी नंबर राजीव गांधी, सी नंबर वीपी सिंह और डी नंबर पीवी नरसिम्हा राव। सही आंसर दोस्तों ए नंबर इंदिरा गांधी के समय। अगला प्रश्न है, 18 मई 1974 में पोखरण में किया गया परमाणु परीक्षण के समय भारतीय प्रधानमंत्री थे कौन थे? ए नंबर इंदिरा गांधी, बी नंबर अटल बिहारी वाजपेयी, सी नंबर मनमोहन सिंह और डी नंबर अर्जुन सिंह। सही आंसर दोस्तों ए नंबर इंदिरा गांधी के समय हमारे देश ने परमाणु परीक्षण किया। अगला प्रश्न है, मार्च 1983 में नई दिल्ली में हुए गुट निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? ए नंबर जवाहरलाल नेहरू, बी नंबर इंदिरा गांधी, सी नंबर राजीव गांधी और डी नंबर वीपी सिंह। सही आंसर दोस्तों बी नंबर इंदिरा गांधी ने। अगला प्रश्न है, जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंध पार्टी थी? ए नंबर गुजरात, बी नंबर उड़ीसा, बी नंबर सी नंबर बिहार, डी नंबर मद्रास। सही आंसर दोस्तों डी नंबर मद्रास से। अगला प्रश्न है, 1967 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस प्रकार की सरकार बनी? ए नंबर संयुक्त विधायक दल की सरकार, बी नंबर कांग्रेसी सरकार, सी नंबर वामपंथी सरकार और डी नंबर उपयुक्त में से किसी भी प्रकार की सरकार नहीं। सही आंसर दोस्तों ए नंबर संयुक्त विधायक दल की सरकार। अगला प्रश्न है, गैर कांग्रेसवाद नन कांग्रेसियम का नारा किसने दिया? ए नंबर लालू यादव, सी नंबर जयप्रकाश नारायण, सी नंबर राम मनोहर लोहिया, डी नंबर चौधरी चरण सिंह। सही आंसर दोस्तों सी नंबर राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न है, 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में किस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी? ए नंबर कांग्रेस, बी नंबर लोकदल, सी नंबर भारतीय क्रांति दल और डी नंबर वामपंथी दल। सही आंसर दोस्तों सी नंबर भारतीय क्रांति दल। अगला प्रश्न है, 1967 के आम चुनाव में किन राज्यों की विधान
सभाओं में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। यह नंबर बिहार विधानसभा, बी नंबर उत्तर प्रदेश विधानसभा, सी नंबर पश्चिम बंगाल विधानसभा में और डी नंबर सभी में। सही आंसर दोस्तों डी नंबर सभी में। बढ़ते हैं अगला टॉपिक की ओर। टॉपिक है दोस्तों संवैधानिक व्यवस्था का संकट। इसका पहला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ए नंबर प्रधानमंत्री, बी नंबर मंत्रिमंडल, सी नंबर राष्ट्रपति और डी नंबर उपराष्ट्रपति। सही आंसर दोस्तों सी नंबर राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की? ए नंबर 1975, बी नंबर 1976 और डी नंबर 1977 और डी नंबर सी नंबर 1977, डी नंबर 1974। सही आंसर दोस्तों ए नंबर 1975 में। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ए नंबर में है अंबेडकर, बी नंबर सरदार पटेल, सी नंबर पंडित नेहरू, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों सी नंबर पंडित नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है सह आयोग का गठन कब किया गया? ए नंबर 1975 में, बी नंबर 1976 में, सी नंबर 1977 में और डी नंबर 1978 में। सही आंसर दोस्तों सी नंबर 1977 में। अगला प्रश्न है जनता पार्टी का गठन कब हुआ? ए नंबर 1967, बी नंबर 1975, सी नंबर 1977, डी नंबर 1980। सही आंसर दोस्तों सी नंबर 1977 में। अगला प्रश्न है जनता पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? ए नंबर संजय गांधी, बी नंबर जयप्रकाश नारायण, सी नंबर राम मनोहर लोहिया और डी नंबर जगजीवन राम। सही आंसर दोस्तों बी नंबर जयप्रकाश नारायण के समय उन्होंने इसका नेतृत्व किया। अगला प्रश्न है 1977 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल का गठन किसने किया? ए नंबर जयप्रकाश नारायण, बी नंबर मुरारजी देसाई, सी नंबर जगजीवन राम और डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों सी नंबर जगजीवन राम। अगला प्रश्न है 1977 के आम चुनाव के बाद किस पार्टी की सरकार बनी? ए नंबर जनता पार्टी, बी नंबर कांग्रेस पार्टी, सी नंबर समाजवादी पार्टी, डी नंबर साम्यवादी पार्टी। सही आंसर दोस्तों ए नंबर जनता पार्टी की। अगला प्रश्न है 1977 के आम चुनाव के बाद जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री कौन बने? ए नंबर इंदिरा गांधी, बी नंबर मुरारजी देसाई और सी नंबर बी नंबर जगजीवन राम, डी नंबर चौधरी चरण सिंह। सही आंसर दोस्तों सी नंबर मुरारजी देसाई। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मुरारजी देसाई की सरकार कितने समय तक चली? ए नंबर 18 माह, बी नंबर 24 माह, सी नंबर 9 माह, डी नंबर 10 माह। सही आंसर दोस्तों ए नंबर 18 माह। अगला प्रश्न है भारतीय लोक दल की स्थापना कब हुई? ए नंबर 1969, बी नंबर 1974, सी नंबर 1967 और डी नंबर 1977। सही आंसर दोस्तों बी नंबर 1974 में। अगला प्रश्न है स्थापना के समय भारतीय लोक दल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? ए नंबर में दोस्तों जगजीवन राम, बी नंबर चौधरी चरण सिंह, सी नंबर जयप्रकाश नारायण और डी नंबर पीलू मोदी। सही आंसर दोस्तों बी नंबर चौधरी चरण सिंह को। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1979 में जनता पार्टी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किसने लाया था? ए नंबर वाई वी चौहान, बी नंबर सुब्रमण्यम स्वामी, सी नंबर राजनारायण और डी नंबर जगजीवन। सही आंसर दोस्तों ए नंबर वाई वी चौहान। ताशकंद कहाँ है? ए नंबर में है भारत, बी नंबर पाकिस्तान में, सी नंबर रूस में और डी नंबर चीन में। सही आंसर दोस्तों सी नंबर रूस में। अगला प्रश्न है शिमला समझौता कब हुआ? ए नंबर 1972, बी नंबर 1966, सी नंबर 1965 और डी नंबर 1954। सही आंसर दोस्तों ए नंबर 1972 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है? ए नंबर में दोस्तों भारत पाकिस्तान, बी नंबर में है भारत बांग्लादेश, सी नंबर भारत चीन और डी नंबर भारत श्रीलंका। सही आंसर दोस्तों ए नंबर भारत पाकिस्तान के बीच। अगला प्रश्न है रंग भेद की नीति निम्नलिखित में से किस देश में देखने को मिलते हैं? ए नंबर दक्षिण अफ्रीका, बी नंबर चीन, सी नंबर भारत, डी नंबर पाकिस्तान। सही आंसर दोस्तों ए नंबर दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में किसने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते? ए नंबर लाल बहादुर शास्त्री,
बी नंबर अटल बिहारी वाजपेयी, सी नंबर इंदिरा गांधी, डी नंबर जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर दोस्तों डी नंबर जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, 1974 में एशियाई संबंध सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई थी? ए नंबर नई दिल्ली, बी नंबर कराची, सी नंबर बीजिंग और डी नंबर टोक्यो। सही आंसर दोस्तों ए नंबर नई दिल्ली में, जो कि भारत में है। अगला प्रश्न है, बांडुंग सम्मेलन कब हुआ? नंबर 1954, बी नंबर 1956, सी नंबर 1959, बी नंबर 1962। सही आंसर दोस्तों बी नंबर 1956 में। अगला प्रश्न है, भारत में नेहरू युग कब से कब तक माना जाता है? नंबर 1944 से 1967 तक, बी नंबर 1950 से 1947 तक और सी नंबर 1955 से 1964 तक और डी नंबर 1964 से 1966 तक। सही आंसर दोस्तों ए नंबर 1947 से 1964 तक। अगला प्रश्न है, चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई? ए नंबर में है 1950, बी नंबर 1950, सी नंबर 1954 और डी नंबर 1962। सही आंसर दोस्तों ए नंबर 1950 से। अगला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता के समय चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? ए नंबर चाओ इन लाई, डी नंबर हुंग फू, सी नंबर चांग काई सेक और डी नंबर लिन सेन। सही आंसर दोस्तों ए नंबर चाओ इन लाई। अगला प्रश्न है, गोवा को पुर्तगाल से आज़ादी के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ए नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी नंबर लाल बहादुर शास्त्री, सी नंबर इंदिरा गांधी, डी नंबर राजीव गांधी। सही आंसर दोस्तों ए नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ हुआ? नंबर मॉस्को में, बी नंबर वाशिंगटन में, सी नंबर लंदन में, डी नंबर ताशकंद में। सही आंसर दोस्तों डी नंबर ताशकंद में, जो कि रशिया में है। अगला प्रश्न है, पानी के बंटवारे को लेकर भारत श्रीलंका समझौता कब हुआ? ए नंबर 1974, बी नंबर 1980, सी नंबर 1987, डी नंबर 1990। सही आंसर दोस्तों ए नंबर 1974 में। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के बीच जहाज रानी समझौता कब हुआ? ए नंबर 1971, बी नंबर 1972, सी नंबर 1975, डी नंबर 1980। सही आंसर दोस्तों सी नंबर 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत बांग्लादेश के बीच शांति सहयोग और मैत्री के 25 वर्षीय संधि कब हुई? ए नंबर 1971, बी नंबर 1972, सी नंबर 1975, डी नंबर 1980। सही आंसर दोस्तों बी नंबर 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1974 में पहला पोखरण परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? नंबर इंदिरा गांधी, बी नंबर राजीव गांधी, सी नंबर अटल बिहारी वाजपेयी और डी नंबर लाल बहादुर शास्त्री। इसका सही आंसर दोस्तों ए नंबर इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय विदेश नीति का प्रमुख आधार निम्नलिखित में से किसे बनाया था? ए नंबर में शांति, बी नंबर मित्रता और सी नंबर समानता, डी नंबर सभी। सही आंसर दोस्तों डी नंबर सभी। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किए जाने के कारणों के संबंध में निम्न में से कौन सही है? ए नंबर में विश्व में शांति व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किसी गुट में शामिल नहीं होना और बी नंबर अपना स्वतंत्र विचार बनाए रखना, सी नंबर अपने आर्थिक विकास कार्यक्रम के लिए विदेशी सहयोग प्राप्त करने के लिए और डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर दोस्तों डी नंबर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सवेद नहर विवाद निम्न में से किन दो देशों के बीच का मामला था? ए नंबर ब्रिटेन एवं मिस्र, बी नंबर ब्रिटेन एवं अमेरिका, सी नंबर अमेरिका एवं फ्रांस और डी नंबर भारत एवं पाकिस्तान। सही आंसर दोस्तों ए नंबर ब्रिटेन एवं मिस्र के बीच। पढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत किसका हमेशा से विरोध करता आया है? ए नंबर में उपनिवेशवाद, बी नंबर रंगभेद, सी नंबर आतंकवाद और डी नंबर उपयुक्त सभी का। सही आंसर दोस्तों डी नंबर उपयुक्त सभी का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हित के निर्धारण में किन तत्वों को ध्यान में रखा जाता है? नंबर देश की भौगोलिक स्थिति, बी नंबर ऐतिहासिक परंपराएं एवं सांस्कृतिक विरासत और सी नंबर जनता की आकांक्षाएं और डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर दोस्तों डी नंबर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न टॉपिक है दोस्तों, कांग्रेस व्यवस्था की चुनौतियों तथा उसका पुनर्स्थापना। इसका पहला प्रश्न है, भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ए नंबर में चंद्रशेखर, बी नंबर
मुरारजी देसाई और सी नंबर वीपी सिंह डी नंबर आई के गुजराल सेंसर बी नंबर मुरारजी देसाई। अगला प्रश्न है केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई, ए नंबर 1975 बी नंबर 1977 सी नंबर 1979 डी नंबर 1980 सेंसर दोस्तों बी नंबर 1977 में। अगला प्रश्न है दल बदल यानी दल बदल डिफेक्शन क्या है, ए नंबर में चुनाव में विजयी होने के बाद एक दल को छोड़कर अन्य दल में सम्मिलित होना और बी नंबर चुनाव पूर्व दूसरे दल में शामिल होना और सी नंबर सरकार में अनेक दलों का शामिल होना और डी नंबर विरुद्ध सभी सेंसर दोस्तों ए नंबर चुनाव में विजयी होने के बाद एक दल को छोड़कर अन्य दल में सम्मिलित हो जाना। इसका अगला प्रश्न है आमतौर पर भारतीय राजनीति में दल बदल परंपरा की शुरुआत कब से माना जाता है, ए नंबर 1952 के आम चुनाव के बाद से बी नंबर 1957 के आम चुनाव के बाद से सी नंबर 1962 के आम चुनाव के बाद से डी नंबर 1967 के आम चुनाव के बाद से सेंसर दोस्तों डी नंबर 1967 के आम चुनाव के बाद से। अगला प्रश्न है दल बदल की प्रक्रिया किस चुनाव के बाद शुरुआत हुआ, ए नंबर द्वितीय आम चुनाव के बाद बी नंबर तृतीय आम चुनाव के बाद सी नंबर चौथे आम चुनाव के बाद और डी नंबर प्रथम आम चुनाव के बाद सेंसर दोस्तों सी नंबर चौथे आम चुनाव के बाद। अगला प्रश्न है भारत में दल बदल विरोधी से संबंधित कानून कब बना, ए नंबर 1967 बी नंबर 1985 सी नंबर 1990 डी नंबर 1992 सेंसर दोस्तों बी नंबर 1985। अगला प्रश्न है दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया, ए नंबर में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम बी नंबर 56वां संविधान संशोधन अधिनियम और सी नंबर 58वां संविधान संशोधन अधिनियम डी नंबर विरुद्ध सभी सेंसर दोस्तों ए नंबर 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है, ए नंबर 9वीं अनुसूची बी नंबर 10वीं अनुसूची सी नंबर 11वीं अनुसूची और डी नंबर 8वीं अनुसूची सेंसर दोस्तों बी नंबर 10वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है कांग्रेस सिंडिकेट क्या है, ए नंबर कांग्रेसी मैत्रियों के समूह बी नंबर कांग्रेस के अंदर ताकतवर एवं प्रभावशाली नेताओं का समूह और सी नंबर कांग्रेस के अंदर विरोधी गुटों का समूह डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं सेंसर दोस्तों बी नंबर कांग्रेस के अंदर ताकतवर एवं प्रभावशाली नेताओं का समूह। बढ़ते अगला प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न है कांग्रेस पार्टी कब दो खेमा में बटी, नंबर 1967 बी नंबर 1969 सी नंबर 1971 डी नंबर 1984 सेंसर दोस्तों बी नंबर 1969 में। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों इंदिरा गांधी किस आम चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया, ए नंबर 1967 के आम चुनाव में बी नंबर 1971 के आम चुनाव में सी नंबर 1977 के आम चुनाव में और डी नंबर सभी चुनाव में सेंसर दोस्तों बी नंबर 1971 के आम चुनाव में। यह था दोस्तों इंटर एग्जाम 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 13 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंचते रहे। दोस्तों आज बात इस नए तक रखिए, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, धन्यवाद।